फाइनली हमारा यहाँ पे रिडीम कोड वर्क कर चुका है, हम लोग को मिल चुके हैं 700 डायमंड जो काफी ज्यादा ओपी बात है। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल D60 गेमिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आपका प्यारा हसन दोस्त असलूब खान खान04 फ्रॉम D60 गेमिंग। सो गाइस आज के ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो के साथ वापस। सो गाइस आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं FFPL डे 10 के रिवॉर्ड के बारे में, उसके रिडीम्स कोड और दूसरे सीन्स के बारे में बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक सेकंड के भी स्किप नहीं करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, जल्दी से सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि यार आप लोगों का एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन क्रिएट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अमेजिंग अमेजिंग फ्री रिवार्ड्स वाली वीडियोस बनाता रहूं। तो यहां पे मैंने अपना मेल बॉक्स ओपन किया तो यहां पे मुझे कुछ रिवार्ड्स देखने को मिला। भाई ये देखो, बिल्कुल खाली मेल भेजती हम लोग को ग्रीना वालों ने। उसी के नीचे नीचे आप लोग देखो भाई, हमें लाइट पास रिव्यू के यहां पे हमें बैजेस आ चुके हैं, यानी कि जो हमारा आज रात 12 बजे के बाद लाइट पास आएगा उसके बैजेस आ चुके हैं। साथ ही साथ 700 डायमंड हम लोग को मेल बॉक्स में रिसीव हो चुके हैं, इनको भाई हम लोग जल्दी से क्लेम कर लेते हैं और सारे रिवार्ड आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे बाकी सारी वो पुरानी आइटम है जो हमें फ्री वाली मिलती रहती हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लेम कर लिया 190 डायमंड बैजेस और हम लोग को साथ साथ 700 बैजेस मिल चुके हैं, जिसे हम लोग अपने एलाइट पास को प्री ऑर्डर करने वाले हैं। और यहाँ पे भाई साहब हम लोग को एक बंदे ने गिफ्ट भेजा था जो हमारा गिव अवे विनर था, तो मेरे गिव अवे विनर भाई रात को ऑनलाइन आ जाया करो, नहीं तो मुझे भाई यही बता दो कि आपको क्या गिफ्ट में चाहिए। भाई मैं इस बंदे का वेट कर रहा हूँ कितने टाइम से, भाई मैं इसको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ 500 डायमंड को, यार हमारा गिव अवे विनर था ये और ये बंदा भाई साहब अभी तक हम लोग को बता ही नहीं रहा इसको क्या चाहिए। तो भाई आज रात 12 बजे से पहले पहले मुझे बता दो आपको क्या चाहिए, वरना मैं आप लोग का गिव अवे कैंसिल करके किसी और बंदे को दे दूंगा। तो जी गाइस, अगर आप लोग भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ऑल पे सेट कर दो। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोग कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बता देता हूँ, अपकमिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग उनके बारे में पता ही है, आप लोग को पता है प्री ऑर्डर आ चुका है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑर्डर कर लेते हैं ताकि हमारे पास भाई साहब रात को 250 बैजेस पूरे हो जाए और हम लोग रीजन में किसी ना किसी पॉइंट पे स्टे कर जाए। तो यहाँ पे हम लोग 699 डायमंड में अपना लाइट पास को प्री ऑर्डर कर देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं मैजिक क्यूब वाले और यहाँ पे हम लोग इनको क्लेम कर लेते हैं। तो भाई सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक करो, जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करोगे बॉक्स ओपन हो जाएंगे। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया इसी वजह से बॉक्स नहीं ओपन हुए, सारे बंदे लाइक कर दो 1 2 3। ओ भाई अभी भी नहीं किया यार, कर दो लाइक। और यहाँ पे सबने लाइक किया और देखो हमारे चारों के चारों बॉक्सेस ओपन हो गए और हमें उनसे मिली टट्टी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं मिला और हमारा लक भी इतना ही गंदा। यहाँ पे आप लोग को बताऊं ये बंडल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और आप लोग को पता है मैंने आप लोग को पहले इस बंडल के बारे में बता दिया कि OB36 की अपडेट के बाद आप लोग को फेडेड व्यू में देखने को मिलेगा। साथ साथ आप लोग को यहाँ पे डेजर्ट ईगल की स्किन देखने को मिली है जिसके अंदर एक्यूरेसी डबल है, यानी कि आप लोग के डेजर्ट ईगल से अच्छे हेडशॉट लग सकते हैं। साथ साथ ये वेटर वाला इमोट है जो कि बिल्कुल बेकार इमोट है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। भाई मुझे ये इमोट अच्छा नहीं लगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोग को यहाँ पे शेयर करता हूँ, बट यहाँ पे भाई इस फेडेड में मुझे डेजर्ट ईगल की स्किन काफी ज्यादा ओपी लगी, क्योंकि यार इसके अंदर एक्यूरेसी डबल रखी गई है, यानी कि हेड शॉट्स यहाँ पे आप लोग के काफी ज्यादा लग सकते हैं। तो भाई मैं तो इसको यहाँ पर निकालने वाला हूँ, यहाँ पे भाई डायमंड अपने वेस्ट करूंगा। तो यार कोशिश तो यही रहेगी कि भाई हम लोग की जैसी स्किन निकल जाए हम लोग अपने स्पिन स्टॉप कर देंगे, भाई बंडल मुझे जरूरत नहीं है इस बंडल की, मुझे सिर्फ स्किन की जरूरत है। देखते अब ग्रीना वाले हम लोग को किस स्पिन में जाके देते, तो यहाँ पे हम लोग स्पिन कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हम लोग को इस दफा स्किन भी लास्ट ही स्पिन पे मिलेगी, बट यहाँ पे स्पिन कर लेते हैं दोबारा से। तो फिर से यहाँ पे हम लोगों ने स्पिन किया और देखो भाई साहब फिर वही सीन है, मतलब लास्ट में हम लोग को मिल गया गन की स्किन। तो भाई हम लोग फिर अब बंडल भी निकाल ही लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने इतने डायमंड वेस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग बंडल भी फिर निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्किन आ चुकी है 699 का, जो हम लोग 599 का दोबारा लास्ट स्पिन करते हैं और वाटर कैप्टन बंडल भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया जो कि काफी ज्यादा ओपी दिखने में लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया, अब इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर देते हैं क्योंकि आईफोन में आप लोग को पता है बैक जाने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं FFPL के बारे में। तो जी हाँ गाइस, FFPL में आप लोगों को पता है कि फ्री आईफोन्स और फ्री रिवार्ड आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने ड्रीम टीम में अपनी टीम सेलेक्ट की कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपनी टीम आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरी टीम में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे इस वीक। तो यहाँ पे भाई साहब आप लोगों को पता है आईफोन वगैरह आप लोग को बिल्कुल फ्री में काफी ज्यादा कैश प्राइज और अदर प्राइज मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई मेरे पास होगोता, रहीम, समी और भाई शीरा यहाँ पे सिलेक्टेड है, 347 पॉइंट है मेरे पास और लोगों के भाई साहब
काफी ज्यादा पॉइंट मेरे से आगे है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके कितने पॉइंट है, FFPL 4 में आपने अपनी कौन सी टीम प्रिडिक्ट की, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बंदे बताना, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। आप सभी लोग मेरी फैमिली हो, तो जब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज बताते हो या कोई भी कमेंट करते हो ना, तो मुझे लिटरली दिल से अच्छा लगता है और ऐसी फीलिंग आती है मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिडीम कोड यानी कि स्पेशल रिवार्ड के बारे में। तो इस दफा आप लोग को जस्टिन बाइबर के कैरेक्टर मिलने वाले हैं 6, साथ साथ फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का इमोट देखने को मिलेगा, बैक पैक है, फ्लैश पैट है, साथ साथ बॉक्सेस है, क्रेट्स हैं आप लोगों को देखने को मिले, साथ साथ आप लोगों को बैक पैक उसी के साथ साथ नेम चेंज कार्ड जो कि सबसे बेस्ट है, और आप लोगों को डायमंड रॉयल वाउचर देखने को मिलने वाला है। गाइस अगर आप लोग ये विन करना चाहते हो तो आप लोगों को फ्री फायर ई स्पोर्ट के चैनल पर स्ट्रीम देखने को मिल रही होगी। तो आप लोगों ने क्या करना, सिंपल से जो भी मैच होगा ना, मतलब जैसे ही मैच खत्म होता है कोई भी टीम भूजा करती है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी UID स्पैम करनी है, और अगर आप लोग काफी ज्यादा लकी हो, अच्छे लकी बंदे हो, तो आपको भाई UID पिक हो जाएगी आपकी और आप लोगों को कोई ना कोई रिवार्ड मिल जाएगा। तो सिंपल से आप लोगों को ट्रिक बता दिया आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने भाई जैसे स्ट्रीम के ऊपर कोई भी टीम भूजा करती है, भूजा करने के फौरन बाद आप लोगों ने अपनी UID स्पैम कर देनी है 3 से 4 मिनट के लिए, और अगर आप लोग लकी हुए तो आप लोगों को भाई चांस लग सकता है विन करने का। यहाँ पे भैया साहब आप लोग देख सकते हो न्यू एनिमेशन भी आई है, तो मैंने सोचा यार थोड़े से इस पर भी डायमंड लगाकर हम लोगों ने काफी ज्यादा बॉक्सेस खोल लिए हैं। तो यहाँ पे भाई साहब हम लोगों ने बॉक्सेस वगैरह तो ओपन कर लिए हैं, बट हमारे को यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, 0 शो करवा रहा, हमारे इंटरनेट का इशू है। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी गेम को जल्दी से रीस्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गेम को दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं एनिमेशन निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी पता होगा भाई आप लोग जिस चीज के ऊपर डायमंड लगाने वाले हो वो किस तरह से है। तो भाई आप लोग इसी वजह से मैं आप लोगों से पहले डायमंड वगैरह लगा देता हूँ, ताकि आप लोग को इस चीज के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ पे भाई साहब हम लोग जो अपने क्रेट्स देखते, तो यही हमें यहाँ पे जो और पॉइंट्स चाहिए होंगे, यानी कि हम लोग को तकरीबन 3 से 4 टोकन चाहिए। तो हम लोग यहाँ से दोबारा फिर खोलते हैं अपने क्रेट्स, 2 क्रेट हम लोग खोल लेते हैं, होप सो इसमें हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पे हमने अपने 2 क्रेट्स ओपन कर लिया और फाइनली हम लोग को यहाँ पे 3 टोकन्स मिल चुके हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपनी जो हमारी एनिमेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एनिमेशन काफी ज्यादा ओपी दिखने में लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को एनिमेशन कैसी लगी है दिखने में, भाई काफी ज्यादा ओपी, और ईगल के साथ जो फ्लाइट लैंड करती है ना हमारे करेक्टर की, भाई काफी ज्यादा मजे की लगती है। आप लोग को मैं यहाँ पे भी बस दिखा देता हूँ, बाकी यार आज की वीडियो में आप लोग को मैंने फ्री रिवार्ड के बारे में बता दिया, और गिव अवे विनर प्लीज आज रात 12 बजे से पहले पहले मेरे तक कॉन्टैक्ट कर लो, अदरवाइज मैं गिव अवे किसी और को दे दूंगा कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।